दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि डिजी लॉकर एप्लीकेशन क्या है, इसे हम कैसे यूज कर सकते हैं और साथ ही साथ इसे यूज करने के फायदे क्या हैं। डिजी लॉकर एप्लीकेशन जो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है हम सभी इंडियंस के लिए। जितना प्रायोरिटी हम लोग व्हाट्सएप फेसबुक को प्रायोरिटी देते हैं, लेकिन जब आप डिजी लॉकर के बारे में जान जाएंगे तो कहेंगे यार अभी मैं इंस्टॉल करता हूँ और ये मुझे हमेशा ही रखनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए टॉपिक पे आते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं डिजी लॉकर एप्लीकेशन है क्या। डिजी लॉकर एप्लीकेशन एक भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया एक एप्लीकेशन है जिसके अंदर गवर्नमेंट द्वारा इशू किए हुए सभी डॉक्यूमेंट्स को आप उसके अंदर रख सकते हैं और जरूरत पड़ने पर आप उसे यूज कर सकते हैं। वो एज ए ओरिजिनल वैलिड रहेगा आपके फ़ोन के अंदर, लेकिन जब आप उसे किसी को शो ऑफ करेंगे तो वो एज ए ओरिजिनल माना जाएगा। वो कैसे क्या होगा वो अभी आप मोबाइल स्क्रीन पे आगे आपको दिखाऊंगा, खुद आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, डिजी लॉकर क्या है ये आप जान गए, इसे यूज कैसे करें तो वो अभी आपको आगे लाइव दिखाने वाला हूँ मोबाइल स्क्रीन पे। इसके फ़ायदे क्या है, फ़ायदे ये हैं कि मान लेते हैं आपके मोबाइल के अंदर डिजी लॉकर एप्लीकेशन है और इसके अंदर आपने वो डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपने रख लिए जो कि गवर्नमेंट द्वारा इशू है। मान लेते अगर आप रोड पे जा रहे हैं, बाइक से जा रहे हैं, ट्रैफिक वाले ने आपको पकड़ लिया और किसी कारणवश आप जो अपनी ड्राइविंग लाइसेंस घर पे ही भूल गए, फिजिकल वाला, ठीक है, तो आपको ओरिजिनल लाने के लिए जाना पड़ेगा या फिर चालान कटवाइए। तो लेकिन अगर आपके पास डिजी लॉकर के अंदर DL अगर है तो आप उसे दिखा करके आप ट्रैफिक पुलिस वाले साहब छूट करके अपने गंतव्य की ओर जा सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं और आपके पास फिजिकल कोई भी आईडी कार्ड नहीं है और डिजी लॉकर के अंदर अगर आपके पास पैन कार्ड आधार कार्ड है, अगर आप वो टीटी को शो ऑफ कर देते हैं डिजी लॉकर में से, वो एज ए ओरिजिनल माना जाएगा। तो ये सारे के सारे फायदे हैं, ऐसे कई सारे फायदे हैं, है ना, एक एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया। तो चलिए अब हम इस प्रोसेस की ओर चलते हैं कि डिजी लॉकर का हम यूज कैसे कर सकते हैं। इसके लिए हमें चलना होगा मोबाइल स्क्रीन पे और हम वहाँ पे पूरी डिटेल्स के साथ समझेंगे किस तरीके से हम इसका इस्तेमाल वगैरह कर सकते हैं। ओके गाइज, तो सबसे पहले आपको प्ले स्टोर से डिजी लॉकर एप्लीकेशन आपको अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लेना है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। चलिए हम इसे ओपन करते हैं और देखते हैं हम किस तरीके से इसका यूज कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे इस तरीके का इंटरफेस आएगा, आप जिस लैंग्वेज में आप इसे यूज करना चाहते हैं उस लैंग्वेज में यूज कर सकते हैं। फिलहाल हम डिफॉल्ट में इंग्लिश है उसे ही रहने देते हैं और कंटिन्यू टू इंग्लिश पे क्लिक करते हैं। ओके, यहाँ पे आपको कुछ बताया जा रहा है जो कि आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ पे नीचे लेट्स गो के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं और हम इस एप्लीकेशन का यूज करने का प्रोसेस देखते हैं। अब नीचे आपको मिल जाता है गेट स्टार्टेड, यहाँ से हमारा मेन काम स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए दो ऑप्शंस दिए गए, साइन इन और क्रिएट अकाउंट। अगर आपके पास में अकाउंट है तो आप साइन इन पे क्लिक करेंगे, अगर अकाउंट नहीं है तो आप क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको सारी डिटेल्स फिल करनी है, जैसे कि आपको अपना पूरा का पूरा नाम, उसके बाद आपको अपना पूरा डेट ऑफ बर्थ कम्प्लीट, और उसके बाद मेल फीमेल वो आपको यहाँ पे डालना है, मोबाइल नंबर डालना है जो आपके डॉक्यूमेंट्स में जो ऑलरेडी डले हुए हैं जैसे कि आपके आधार कार्ड में, ठीक है, और आपको 6 डिजिट का कोई भी सिक्योरिटी पिन यहाँ पे एंटर करना है ताकि नेक्स्ट टाइम आप उस पिन का यूज़ करके लॉग इन कर सकते हैं। ईमेल आईडी आपको यहाँ पे एंटर करना है और आपका अपना आधार कार्ड नंबर यहाँ पे एंटर करना है और सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट करने के बाद हमारे मामले में देखिए क्या यहाँ पे एरर आ रहा है, दिस आधार इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड विथ डिजी लॉकर, यू कैन साइन इन टू अकाउंट यूजिंग योर क्रेडेंशियल्स। यानी हमने इस आधार नंबर से ऑलरेडी डिजी लॉकर जो है क्रिएट कर रखा है तो हम दोबारा क्रिएट नहीं कर सकते, हमें डायरेक्टली साइन इन पे क्लिक करना है। तो सिंपली आपके पास जो है ये सारे डिटेल्स फिल करके जब आप सबमिट करेंगे तो आपका अकाउंट जो है क्रिएट हो जाएगा। तो चलिए हम नीचे साइन इन पे क्लिक करते हैं। तो चलिए यहाँ पे अपना आधार नंबर या फिर मोबाइल नंबर डाल करके और जो पिन अभी हमने सेट किया था वो पिन, और उसके बाद साइन इन पे क्लिक करने के बाद हम इस एप्लीकेशन में साइन इन हो जाते हैं। चलिए रिडायरेक्ट हो रहा है। ओके, रिडायरेक्ट के साथ साथ जो है लॉग्ड इन भी यहाँ पे हो चुका है और आप यहाँ पे जो देख रहे हैं आधार कार्ड यहाँ पे शो हो रहा है। तो मैंने आपको बताया कि मैंने पहले ही डिजी लॉकर अकाउंट क्रिएट कर रखा था, बट वीडियो आज बना रहा हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, कैसे डॉक्यूमेंट्स को सेव कर सकते हैं वो है मेन। तो यहाँ पे जब आप नीचे की सेक्शन में आएंगे तो नीचे की ऑप्शन में आपको देखिए सर्च का एक ऑप्शन दिया गया है, इस सर्च पे आपको टैप करना है और जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको डिजी लॉकर के अंदर सेव करना है वो डॉक्यूमेंट को सर्च करना है। जैसे कि हम आधार कार्ड तो ऑलरेडी यहाँ पे है, तो चलिए मैं यहाँ पे कर लेता हूँ पैन कार्ड। तो पैन कार्ड के लिए मुझे सर्च करना होगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। ओके, पैन वेरिफिकेशन रिकॉर्ड पे भी सर्च आ जाएगा, इस पर हम टैप करते हैं। तो यहाँ पे देखिए मेरा डिटेल्स आ रहा है, जैसे नाम आ रहा है, डेट ऑफ बर्थ आ रहा है, मेल, और उसके बाद पैन नंबर अपने को डालना है यहाँ पे,
और पैन नंबर के साथ में यहाँ पे पैन कार्ड पे जो नाम है वो डालना है, और उसके बाद नीचे गेट डॉक्यूमेंट्स पे आपको क्लिक करना है। ओके, आप सबसे टॉप पे देख सकते हैं, बिकॉज क्या है, नीचे वाला आप छोड़ दीजिए, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, LPG का यहाँ पे पेपर्स है, वो भी सारे डॉक्यूमेंट्स इसके अंदर सेव है। जो सबसे टॉप पे था, अभी देखिए सबसे नीचे आ चुका है, ये देखिए पैन वेरिफिकेशन रिकॉर्ड, यानी पैन कार्ड हमारा डिजी लॉकर के अंदर सेव हो चुका है, जो कि अभी आपके सामने लाइव करके दिखा है। इस पर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो अलग टाइप का पैन कार्ड होगा, ठीक है, इस पर आपके फोटोज नहीं होंगे, बट ये वैलिड होगा, 100% वैलिड होगा, ठीक है। और अगर मैं बैक करके अगर आपको दिखाऊं, जैसे कि मेरा आधार कार्ड है, तो आधार कार्ड बहुत पहले किया था तो कुछ एरर वगैरह दिखा रहा है। फिलहाल के लिए आप यहाँ पे फोटो देख सकते हैं, आधार कार्ड में मेरा फोटो है और यहाँ पे एड्रेस वगैरह। और अगर मैं इसका इस्तेमाल TT को दिखाता हूँ या फिर कहीं पर अगर यूज करता हूँ, तो ये एज ए ओरिजिनल माना जाएगा, ये डुप्लीकेट नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से मेरा ड्राइविंग लाइसेंस, तो ड्राइविंग लाइसेंस कुछ इस टाइप का आपके सामने नजर आएगा, जो कि ये सरकार के पास जो भी डाटा है उस डाटा को फेच करके यहाँ पे आया हुआ है, ठीक है। अब ये तो हो गया कि जो सरकार के द्वारा जारी किया गया डॉक्यूमेंट्स है उसको हमने डिजी लॉकर में सेव कर लिया। अब बात आती है कि जो डॉक्यूमेंट हमारे पास बाहर ऐसे पड़े हुए हैं जिसको कि मैं फोटो खींच करके मैं डिजी लॉकर में सेव करना चाहता हूँ, तो जब आप होम स्क्रीन पर जब आप आएंगे और थोड़ा सा जब आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको एक ऑप्शन मिल जाता है डिजी लॉकर ड्राइव, इस पर जब आप टैप करेंगे तो यहाँ पे आप फोल्डर वगैरह भी बना सकते हैं। और साथ ही साथ नीचे देखिए एक ऑप्शन दिया गया अपलोड फाइल, तो उस अपलोड फाइल पे क्लिक करके और जहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट पड़ा हुआ है उस डॉक्यूमेंट को आप डिजी लॉकर के ड्राइव पे अपलोड कर सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर आप उसका यूज कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आप इस वीडियो में काफ़ी अच्छी तरीके से क्लियर हो गए होंगे कि डिजी लॉकर एप्लीकेशन क्या है, इसे कैसे यूज करें, साथ ही साथ इसे यूज करने के फायदे क्या हैं। मैंने कहा था ना आपको, ये डिजी लॉकर एप्लीकेशन जो हर भारतीय के फ़ोन में होना चाहिए। आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा क्या मैंने ये गलत कहा, क्या आपको ये एप्लीकेशन के बारे में जानकर अच्छा लगा या नहीं लगा। जो भी आपकी राय हो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, और किसी भी तरह का सवाल भी हो वो सवाल भी आप हमसे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।